तो जी भाइयों, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? भैया आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया माशाल्लाह। शान भाई, आपकी मोहब्बत है बस। और अंकल जी, आपको कोई चीज़ चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, और आप लोगों के भी एज यूजुअल यही क्वेश्चन होंगे कि नहीं इतनी देर तक क्यों नहीं आई। एटलीस्ट मेरा ख्याल आधा या एक मंथ हो गया है तो वीडियोस नहीं आ रही थी। और मैं उनकी वजह बताऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि क्या वो वजूहत थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि मैंने फ़ोन चेंज किया था। तो जब फ़ोन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ोन मैं चेंज कर रहा हूँ, तो तब उसके बाद से कुछ इश्यूज आ गए थे कि जिस तरह मैंने न्यू फ़ोन लिया था तो न्यू फ़ोन में कुछ डिफ़ॉल्ट था, तो वो मैंने वापस कर दिया। और जो मेरा अपना फ़ोन था वो मैंने सेल कर दिया हुआ था। तो फिर मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था व्लॉगिंग करने के लिए, और बाकी जो मुझे मिल रहे थे जिस रेंज में, वो उस रेंज में अच्छे फ़ोन नहीं मिले थे। तो फिर मुझे सब्र करना पड़ा, देख के फ़ोन लेना पड़ा, और फाइनली ये मुझे फ़ोन मिल गया। और ये बहुत अच्छा फ़ोन है, और एक तो रीज़न ये थी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे सबसे सॉरी करता हूँ कि लोग इतनी देर तक नहीं आ सके। काफ़ी ज़्यादा अरसा, मतलब कि तकरीबन तीन हफ्ते लोग नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। तो यही वजह थी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और सेकेंड वजह ये थी कि मेरे पेपर्स आ गए थे, फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल पेपर आ गए थे, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका। मैंने कहा चलो अब व्लॉगिंग बंद की ही है तो पेपर्स भी आराम सुकून से दे दें, क्योंकि अगर मैं व्लॉगिंग की तरफ लगा रहा और पेपर बीच में ना, तो पेपरों का भी बेड़ा गर्क हो जाना था। तो घर से जो डांट और गालियां थी वो लहदा पड़नी थी, इसलिए मैंने सोचा कि दो मिनट सब सारी एक्टिविटीज़ साइड पर कर दी जाएँ और पेपर पहले दे लिए जाएँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पेपर दे के मैं आया हूँ लास्ट, और फारिग हो चुका हूँ पेपर सब पेपरों से। और आज लास्ट पेपर था, पेपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं। और अब जो है ना, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि आज है मेरी सालगिरह, टुडे इज़ माई बर्थडे। तो आज अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सबका विश करने के लिए। गजब टूबी बाज आदमी। तो आज आपको मैं बताता चलूँ आज का प्लान हमारा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आप सबको बता सकूं कि क्या वजूहत थी जिन वजूहत पे मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, व्लॉगिंग मैंने बंद कर दी थी। तो ये वो कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी, आपको पता लग गया होगा। और इंशाल्लाह आज से हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं, और अब इंशाल्लाह नहीं रोकेंगे और धड़ाधड़ व्लॉग्स आएंगे रोज़ के रोज़। तो अब मैं यूनिवर्सिटी से आ गया हूँ, तकरीबन 4:30 हो गए हैं और यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं हम। अभी मैं आके फ्रेश हुआ ही हूँ, और कुछ अब 3 माह की यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ आ गई हैं, लेकिन मैं जाया करूँगा क्योंकि मैंने कुछ फ्रीलांसिंग के कोर्स थे उनको मैंने ज्वाइन किया है, और ड्रॉप में मैंने एडमिशन लिया है। और अब मुझे जाना पड़ेगा इन 3 मंथ में, वो 3 मंथ का कोर्स है। मैं रोज़ जाया करूँगा लेकिन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे की क्लास होगी सिर्फ दिन में, 2 से 2.5 घंटे की फिर बस। तो अब आपको मैं बताता चलूँ, आज मेरा बर्थडे भी जैसे अब हम बताया, और दूसरा आज हमारी है फेयरवेल पार्टी। जो हमारे सीनियर्स थे वो सीनियर्स आज हमें अलविदा करके जा रहे हैं, और आज उनको हमने फेयरवेल पार्टी देनी है जो फाइनल सेमेस्टर के थे। हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ने मिल के फोर्थ ईयर को, यानी फाइनल ईयर को हमने पार्टी दी है, और आज हम जाएंगे वहाँ पे 6:30-7 बजे तक हम वहाँ पे जाएंगे। और उससे पहले हम नहाएंगे, तैयार होंगे, ज़रा अच्छी सी वेल ड्रेसिंग करके जाएंगे क्योंकि फेयरवेल पार्टी है, सब ने वहाँ पे आना है। और फिर हम भी स्वैग ज़रा, आपको पता लाउड है हमारा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर तक। यूनिवर्सिटी से आया हूँ मैं, रेस्ट कर लूँ पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद उठ के शायद खाद वगैरह कराऊँगा अगर टाइम मिला तो, फिर चलेंगे वहाँ पर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। जी तो वापस आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि नींद फुल आई हुई है, सो के उठा हूँ, और 4:30-5 बजे मैं सो गया था, और अब 7 बज रहे हैं, 7:30 बल के।
और वैसे 6:30 की टाइमिंग थी और 7 बजे तक मैंने सोचा था कि जाऊंगा, और अब 7:30 हो रहे हैं और कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे पहले ही, कि कपड़े निकाल लेते हैं कि फौरी उठ के नहाना है। मुझे नहीं था पता कि इतना सो लूँगा, और अब 7:30 हो रहे हैं और लेट हो गए हैं, तो मैंने कहा अब हो गए हैं तो जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता सुकून से आराम से तैयार होंगे और पहले मैं नहाऊँगा फिर मैं कपड़े पहनूँगा। ये कपड़े इधर रखे हैं मैंने, ये कपड़े पहनेंगे और पहन के तैयार हो के फिर हम जाएंगे मार्की, तो क्योंकि पार्टी मार्की में है, कनाल रोड पे एक मार्की है और अभी मुझे इसका नाम ही नहीं ठीक से आता, तो तैयार हो के रेडी हो के फिर कॉल करके दोस्त से पूछेंगे कि कौन सी मार्की है, कहाँ पे आना है, फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके अब आपसे मिलते हैं, बल्कि तैयार हो के आपसे मिलते हैं। तो जी दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ आप देख सकते हैं, और अब जाना है मार्की और देखते हैं क्या शुगर मिला है वहाँ पे, और दोस्त से मैंने लोकेशन मंगवा ली है, कोई 10 से 15 मिनट का रास्ता है और हम जाएंगे वहाँ 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या शुगर मिला लगा रहे हैं दोस्त और क्या सीन है। लेट तो मैं हो ही चुका हूँ और फंक्शन तो शुरू हो चुका होगा, तो इसलिए अब जल्दी करते हैं पहुँचते हैं वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। जी तो मेरा ये है न्यू फ़ोन iPhone 11 जो मैंने नया लिया है, आपको मैंने बताया कि नया फ़ोन लिया मैंने और जो सेल किया था ये मुझे मिला है, बहुत अच्छा फ़ोन है, एकदम ओके फ़ोन है, तो टाइम लगा थोड़ा लेकिन फ़ोन मुझे अच्छा मिल गया। तो जी दोस्तों मार्की में आ चुका हूँ और जैसा कि आपको कहा था 15 से 20 मिनट लगे हैं, और 15 से 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ मार्की में, ये पीछे आप देख सकते हैं मार्की, तो अब हम अंदर जाएंगे और दोस्तों से मिलते हैं और देखते हैं क्या शुगर मिला हो रहा है। जी तो हम अंदर आ चुके हैं और अब जीद अंदर चलते हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा है। सब दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे हो दाफा? ठीक हो दादा जी? कैसे हैं? जी मेरा दोस्त कैसे हो? उस पोजीशन में यू होल्ड करके रखना। कैसे हो ली? सिंगिंग करने जा रहा है अली को, रेडी हो? तो देखते हैं कैसे सिंगिंग करता है। बहुत मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Bye.
क्या करेगा ये अपनी जैसे इमरान खान बना हुआ है ये इमरान खान बन वेरी फनी है मेरे जो है पार्टी मेंबर्स हैं उनसे कहूंगा कि उनके लिए क्लैपिंग कर दें थैंक यू सो मच अली कैसा था इमरान खान भोजपुरी इमरान खान भोजपुरी चाइना का भोजपुरी और चाइना का इसको भाई को रिवॉर्ड मिला है अवार्ड गोस टू रोशन क्यूटी पाई बड़ा ये जीव है इस भाई को रिवॉर्ड मिल रहा है ये किस चीज का रिवॉर्ड है जाने का किस चीज का रिवॉर्ड है ये जाने का दिखाइएगा भाई जान योर नेक्स्ट अवार्ड गोस टू चोका मैं नदीरा ये देखो भाई हमारा अवार्ड इसको 4GP है वाओ ये किसकी है 4GP है यार ये बेटर है ना ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम असल में मैं आया हूँ बहुत लेट जान भाई आप कब आए थे मैं ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया और मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया लेट ही आए हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं और लाला जी आप कैसे हैं चौकस अच्छी बात साहब ये वेटर सबसे प्यारा लग रहा है इधर भी लाया जनाब खाना शाना लग चुका है और जी इस बंदे को स्पेशल भी अवार्ड मिला ओ फिर वेटर आ गया ठीक है मंदिर रोटी खा ली द अवार्ड ऑफ पेसमेंट पहली है गोस टू सर फाइव एंड इसका जो पंजाबी में मतलब होता है वो होता है वो चुरी की वो ज्यादा अच्छे वो सॉरी वो टीचर्स बैठे हैं वहां पीछे शोर हो रहा है और लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं खाने की तरफ क्योंकि रोटी छोटी खुल चुकी है अच्छा यहाँ पे सैलड है रायता है केचप है रशियन सैलड है बोतलें वगैरह हैं खाना वहाँ पे है और यूं हम रोटी पाटते हुए बहुत मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है पाड़ो पाड़ो रोटी पाड़ो कबाब है नान है सालन है कोरमा और वो आगे बिरयानी वो अब रोटी बिरयानी पाते हैं मैं ये खाने के लिए आया हूँ मैं लाला और जैन भाई खाएंगे जा यार रशियन सैलड ले गया आ जा जैन भाई जा रशियन सैलड ले क्या रुक गया मैं लेकर ये लाला जी रशियन सैलड ले आए हैं ओए बस इतना सा भाई ये तो खा लो पहले चलो ये खा लें फिर और आ जाएगा बहुत टेस्टी है खाना और आप खाना खा लें फिर आपसे मिलते हैं हमारे शाहजी आ गए हैं हमारे पास शाहजी खाना खाया आपने नहीं ये कबाब तो ले ओ खाएं सॉरी बहुत तेज हो रहा है बहुत मज़ा खाना है मज़ेदार है शाहजी तो हम
रोटी शोटी खा लें और फिर आपसे मिलते हैं, आपसे भी और आप लोगों से भी। रोटी शोटी मैंने खा ली है, रोटी भी खा ली है छोटी भी, और अब मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, शुगर लगाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बर्थडे भी आज, तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें ऐसे शो करवाते हैं कि ये अरेंजमेंट मैंने करवाया, तो आए इनके पास चलते हैं। तो जी भाइयों, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? चैन भाई आपकी मोहब्बत है बस। और अंकल जी आपको कोई चीज़ चाहिए? और अली तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? चलो अगर कुछ चाहिए होगा ना तो ये इधर टेबल लगे हैं तो वहाँ से ले लेना, ठीक हो गया? ये लाला जी बार बार जिद कह रहे हैं मुझे भी लेके आओ, मुझे भी लेके आओ। ले आए आप, करें कुछ डांस करके दिखाएं ऑडियंस। छोटे लोग चार जूसी मारी हमने, ठंडी जूस, ठंड हो गई है, एसी बंद करवाओ यार। मुझे सब क्या लेके आए यार? जो तुमने ना ले गए तो सैलड पड़ा हुआ था, फोन ऐसे करो इस तरह। हाँ तो सैलड पड़ा हुआ था, तुम ले गए नहीं आए आधी दिन तो, तुम ले गए नहीं आया था, खाना खा भी लिया मैंने, पीछे हो जाओ राइटिंग पे। इधर भी खीरे खाने तो क्या फ़ायदा, अपनी बर्थडे खीरे नहीं, अपनी बर्थडे पे सबको बुलाया है। और ज़्यादा खाना वगैरह मैंने खा लिया है, और अब बारी है मीठे की, तो देखते हैं स्वीट डिश में क्या है। स्वीट डिश में हमारे पास यहाँ पे हैं गुलाब जामुन। हाय हाय, ये जो गुलाब जामुन ये वाले होते हैं ना, ये मेरे फेवरेट। और इधर हमारे पास है कस्टर्ड, तो पहले मैं खाऊँगा गुलाब जामुन, क्योंकि दोनों मिक्स ही कर लेंगे, लेकिन अलग 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 खाने का मज़ा अपना है, अलग अलग करके खाते हैं। तो पहले हम गुलाब जामुन खा लें, फिर हम कस्टर्ड खाएंगे। अली गुलाब जामुन तो खाओ यार, मेरी सालगिरह की खुशी में मुंह तो मीठा करो। मुंह मीठा कर रहा हूँ, मेरे को मज़ेदार जान भाई, मेरी सालगिरह में मुंह तो मीठा करें जान भाई। मुझे अपने हाथों से खिलाएं पूरे वाला, मैंने आधा खाया था, ये देखें जान भाई खिलाएंगे आप। बिजली ये बिलाल भाई को स्पेशल मैंने बुलाया अपनी बर्थडे पे, लाल भाई ने पैसे बगैर दिए, गिफ्ट बगैर लिए आ गए हैं, बाद में खाएंगे। लाला जी ये खाएं जरा, टेस्ट करें कैसा है। अब गुलाब जामुन खाते मैं हैं। तीरा मज़ेदार, लाल कैसे हैं टेस्ट करके बताओ। जी तो खाना शाना खा लिया, और बहुत मज़े का खाना था, और बहुत मज़ा आ रहा है। और अब एक टीचर आए हैं स्टेज पे, मेरे फेवरेट टीचर हैं फनास के। तो जैसा कि आपको पता है फेयरवेल पार्टी है, हम सीनियर्स को दे रहे हैं, और ये पीछे सारे सीनियर्स इकट्ठे हो चुके हैं, ग्रुप फ़ोटो होगी सारे टीचर्स और सीनियर्स, ये सारे टीचर्स एंड सीनियर इकट्ठे हो रहे हैं, और इनका ग्रुप फ़ोटो हो रहा है, और फोटोग्राफर यहाँ देख लें। जी तो लाइटें वगैरह इन्होंने मार्की की बंद कर दी हैं, और टाइम ओवर हो चुका है। और ये हमारे भाई हैं सामा भाई, सामा मुगल भाई, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया सर, में कैसे इन्होंने सारा अरेंजमेंट करवाया। तो लाइटें वगैरह इन्होंने काफ़ी सारी बंद कर दी हैं, एयर कंडीशनर भी बंद कर दिया है, और तकरीबन प्रोग्राम सारा ख़त्म हो गया, बस फोटोग्राफी हो रही है पीछे आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं घर थोड़ी देर तक। और बिलाल कैसे हो? ठीक जी। तो मार्केट से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ भी काफ़ी अंधेरा है, और बहुत इन्जॉय किया है, मज़ा आया है, और सीनियर्स को भी अच्छे से रुखसत कर दिया है। तो अब घर जाते हैं, घर जाके आपसे मिलते हैं। तो जी दोस्तों, मैं घर वापस आ चुका हूँ, और बहुत मज़ा आया पार्टी में, बहुत लोकेशन बहुत अच्छी थी, उनका जो उनका सेटअप था वो बहुत अच्छा था, और खाना भी बहुत बहुत मज़ेदार था, बहुत इन्जॉय किया दोस्तों के साथ मिलके, और हमने सीनियर्स को रुखसत किया। बेस्ट विशेज़ देते हैं उन्हें सीनियर्स को, कि आगे जाके उन्हें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो मज़ीद, तो इंशाल्लाह एक दिन हम भी रुखसत होंगे यूनिवर्सिटी से। तो बाकी मैं घर वापस आ चुका हूँ, और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आएंगे, कोई नागा नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब फ्री हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, व्लॉग आते रहेंगे,
और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, पीस आउट।